हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग एसएससी का फॉर्म फिलअप करते हैं या अगर आप लोग एसएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यानी दोस्तों, आप लोगों का एसएससी के सारे एग्ज़ाम में नॉमिनेशन किया जाएगा, जिसकी सूचना आप लोगों को आज 7 फरवरी 2019 को जारी किया गया है इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन करके। यानी दोस्तों, आप लोगों का अब एग्ज़ाम जो भी एसएससी का होगा उसमें नॉमिनेशन किया जाएगा और जिसकी सूचना आप लोगों को एसएससी के द्वारा ऑफिशियल साइट पर दी गई है। यानी दोस्तों, की जो सिस्टम एसएससी ने ली है, इससे पहले आप लोगों को हमने जानकारी दिया था कि एसएससी के एग्जाम में भी अब नॉमिनेशन होगा। इसका कारण यह है कि आप लोग का अभी जो कंपनी एसएससी का एग्जाम ले रही है वह कंपनी नॉमिनेशन पे ज़्यादा फोकस रखती है, और ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार आप लोगों का रेलवे में नॉमिनेशन सिस्टम लागू हुआ था, ठीक इसी प्रकार आप लोगों का अब एसएससी के सारे एग्जाम में भी नॉमिनेशन का सिस्टम लागू होगा। जो आप लोग देख सकते हैं, आज 7 फरवरी यानी 7/2/2019 को यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है और एसएससी के नॉमिनेशन का सारा रूल आप लोगों को बताया जा रहा है कि एसएससी में किस तरह का नॉमिनेशन होगा। और दोस्तों, इससे पहले आप लोगों का नॉमिनेशन के सारा रूल आप लोगों को हमने बता दिया है और आप लोग अच्छी तरह हिंदी से भी जानकारी ले सकते हैं, जो आप लोगों को वीडियो के अंत में आप लोगों को एक लिंक आएगा, जो आप लोग वहां जाके क्लिक करेंगे तो आप लोगों को नॉमिनेशन का सारा डिटेल हिंदी में जानकारी मिल जाएगी। और आप लोग देख सकते हैं एसएससी के द्वारा जो अभी आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा जो जानकारी दिया गया है, तो एसएससी का नॉमिनेशन का रूल बताया गया है कि आप लोगों का किस तरह का नॉमिनेशन किया जाएगा। यानी दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यह पूरा डिटेल एक मैथमेटिकल ढंग से एसएससी और रेलवे जो आप लोगों का नॉमिनेशन किया जाता है उसका पूरा डिटेल दिया गया है। जो आप लोगों का रेलवे में पहले फॉलो होता था, अब आप लोगों के एसएससी के सारे एग्जाम में भी फॉलो होगा। तो दोस्तों, यह थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, इम्पॉर्टेंट जानकारी, जो आप लोगों को इस बातों को ध्यान रखना होगा और आप लोगों को आगे जाकर कुछ ऐसी गलती है जो नहीं करना होगा, ताकि आप लोगों का इस एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के अंत तक जाए और आप लोगों का वह लिंक दिया होगा, आप लोग वहां जाके हिंदी में पूरा डिटेल जान सकते हैं अगर आप लोग एसएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे और यह वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट को इसकी जानकारी मिल जाए कि अब एसएससी के एग्ज़ाम में भी नॉमिनेशन किया जाएगा। तो दोस्तों, कुछ स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर है और कुछ स्टूडेंट के लिए बुरी खबर है। अगर जो स्टूडेंट 100 में 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, और जो स्टूडेंट वैसे स्टूडेंट हैं जो स्टूडेंट अपने मन से और अच्छी तरह से एग्ज़ाम देना चाहते हैं, यानी जो क्वेश्चन आप लोगों को आ रही हो अगर आप लोग उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, तो आप लोगों को नॉमिनेशन सिस्टम में आप लोगों को मदद मिलेगी। और एक रूल और आता है इसमें कि अगर जिस एग्ज़ाम में हार्ड क्वेश्चन पूछे गए हो और जिस क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन पूछे गए हो उसे इक्वल किया जाता है। आगे आप लोग पूरी डिटेल आप लोग आगे जान सकते हैं, जो आप लोग हमारे वीडियो को स्क्रीन के एंड पे दिखेगा, उसके द्वारा आप लोग आगे जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।